हमारे साथ हमारे दो सहयोगी जुड़ गए हैं, विकास भदौरिया हैं दिल्ली से, जैनेन्द्र कुमार हमारे साथ मुंबई से बने हुए हैं। विकास, सबसे पहले आपके पास आ रहे हैं, जिस तरीके से कमेटी गठित की गई है, जेपी नड्डा मिलने भी पहुंचे थे कमेटी के अध्यक्ष और पूर्व राष्ट्रपति से, अब आगे की स्थिति क्या है, नोटिफिकेशन कब तक आ जाएगा और किस तरीके से पूरी प्रक्रिया आगे बढ़ेगी और बीजेपी इसको लेकर क्या कह रही है, जब आरोप लगा रहे विपक्ष तो? ये देखिए, जो जहाँ तक नोटिफिकेशन की बात है, सरकार के एक वरिष्ठ मंत्री ने सुबह एबीपी न्यूज़ को बताया था कि आज ही इसका नोटिफिकेशन आना है, यानी कि पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के नाम पर जो अध्यक्षता में कमेटी बनी उसका नोटिफिकेशन आज आ जाएगा और नोटिफिकेशन के साथ बहुत सारी चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी। कितना वक्त दिया गया है इस कमेटी को, इस कमेटी की मियाद कितनी है, कब तक इसको अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपनी है और इस दौरान उसकी शर्तें क्या है, किन किन स्टेक होल्डर्स से उसको बात करनी है। देखिए, राजनीतिक दलों के अलावा राज्यों में मुख्यमंत्री, विपक्ष के नेता, चुनाव आयोग, तमाम चुनाव से जुड़ी हुई संस्थाओं के अलावा कई ऐसे संगठन हैं जो भारतीय संवैधानिक प्रक्रिया में अपना रोल निभाते हैं, उनके साथ बातचीत होगी, आम लोगों से साथ बातचीत होगी। लेकिन ये बेहद महत्वपूर्ण है समझना कि इस कमेटी को कितना समय सरकार की तरफ से दिया जाएगा जब उसको रिपोर्ट देनी है, और इससे ये तय होगा कि ये वन नेशन वन इलेक्शन का जो एजेंडा है केंद्र सरकार का, जिसको 2014 से लगातार लाल किले की प्राचीर से लेकर अलग अलग मंचों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा रखा जा चुका है, लॉ कमीशन अपनी रिपोर्ट दे चुका है इस बारे में, चुनाव आयोग की तरफ से इस बारे में तस्दीक की गई है कि ये देश के लिए अच्छा होगा, लगातार इस बात की कोशिशें होती रही हैं। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि क्या 2024 के चुनाव इसी कानून के तहत हो सकते हैं या नहीं हो सकते, ये इस कमेटी की मियाद जानने के बाद ही तय होगा। अखिलेश, बिल्कुल विकास, जिस तरीके से क्योंकि जो विपक्ष कई नेता उन्होंने ये बात बार बार कही कि इस बार चुनाव वक्त से पहले हो सकता है और तमाम बातें हो रही हैं, लेकिन जो संवैधानिक बिंदुओं पर बात हो रही है, दो दिनों वैसे कह रहे हैं कि अगर ऐसा हुआ तो ये संविधान के खिलाफ होगा, आम आदमी पार्टी कह रही है कि पढ़ी लिखी सरकार नहीं है, इन्हें संघीय ढांचे में काम करना नहीं आता है, ये तमाम जो विषय हैं इस पर किस तरीके की बातचीत हो रही है सरकार की तरफ से? ये देखिए, आपको बता दूं कि सरकार के कई मंत्रियों ने, कई सांसदों ने इस बारे में जो संवैधानिक प्रक्रिया है उसका बाकायदा पूरा खाका रखा है। आपको बता दें कि ये जो प्रयास हैं लगातार 1967 के बाद से लगातार हो रहे हैं संविधान के, बिल्कुल विकास आएंगे इन चीजों पर भी, लगातार ये बातें सामने आ रही है कि जो शुरुआती देश के आजाद होने के बाद 4 चुनाव हुए लोकसभा के और विधानसभा के एक साथ होते रहे हैं। जैनेन्द्र भी हमारे साथ जुड़ गए हैं मुंबई से। जैनेन्द्र, वैसे तो इंडिया गठबंधन की वहां पर बैठक चल रही है, इंडिया गठबंधन को अपनी बातों को तय करना है कि कैसे एनडीए को हराना है, लेकिन क्या वहां भी आज वन नेशन वन इलेक्शन का मुद्दा ज्यादा छाया हुआ है? बिल्कुल, देखिए, वन नेशन वन इलेक्शन का जो मसला है वो कल से ही इंडिया की बैठक में छाया हुआ है। कल की जो बैठक हुई, हालांकि अनौपचारिक बैठक थी नेताओं की, उसमें अरविंद केजरीवाल ने वन नेशन वन इलेक्शन को सीधे तौर पे तो नहीं, लेकिन परोक्ष तौर पे कहा कि हो सकता है कि सरकार आने वाले विधानसभा चुनावों के साथ में लोकसभा चुनाव करवाए, और कुल मिलाकर के जो विपक्ष के नेता हैं वो अब इस बात पर जोर दे रहे हैं कि हमें ज़्यादा देर नहीं करनी चाहिए, सीट शेयरिंग जैसे जो अहम मसले हैं इस पर जल्द से जल्द बात तय कर लेनी चाहिए, एक महीने के अंदर ये सब कुछ तय करना होगा। ये तो कल की बात थी, और आज जब आधिकारिक तौर पर ये बात सामने आई है कि सरकार जो है पूर्व राष्ट्रपति कोविंद के नेतृत्व में अगुवाई में एक कमेटी बना रही है वन नेशन वन इलेक्शन के तौर पर, तो जाहिर सी बात है कि इसके बाद जो हमारे सवाल हैं यहां पर वो भी बदल गए हैं। हम विपक्षी नेताओं से इस पर प्रतिक्रिया मांग रहे हैं और अंदर बैठक में क्या इस पर आधिकारिक चर्चा हुई है इसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा बैठक के खत्म होने का, लेकिन निश्चित तौर पर विपक्ष के जो नेता हैं वो सरकार के इस नए कदम को लेकर के अपनी राय अंदर की बैठक में और बाहर में वो जरूर देने वाले हैं। जी, पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।
एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।